झारखंड में दुमका में दो नाबालिग लड़कियों की हत्या को लेकर सवालों के घेरे में आए एसडीपीओ नूर मुस्तफा की शिकायत अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गई है। इसके बाद भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड सरकार के माइनिंग लीज और वन विभाग को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही दुमका डीसी के शिकारी पारा में कोयला व पत्थर के अवैध खनन में दुमका के एसडीओपीओ नूर मुस्तफा अंसारी की संलिप्तता के आरोप में जांच कर रिपोर्ट मांगे है। शिकारी पाड़ा के कुलकुली डांगाल गांव में चुमका टुड्डू ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर कहा कि शिकारी पाड़ा में कोयला और पत्थर पर हो रहे व्यापक पैमाने पर तस्करी से हो रहे करोड़ों का राजस्व की क्षति और अवैध उगाही पर जांच की मांग की। इस पत्र में दुमका के एसडीपीओ नूर मुस्तफा के विरोध में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दुमका न्यायालय में नोटरी के समक्ष कई शपथ पत्र की प्रति भी भेजी हुई है। गृह मंत्री को भेजे पत्र के प्रति केंद्र पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और झारखंड सरकार को भी भेज दिया था। खैर, देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मामले पर अमित शाह किस तरह का एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं।